अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और वेरी वार्म वेलकम टू आवर सेशन, जहां हम मारी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप्स के बारे में आज एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं करंटली इस टाइम लंदन में ब्रूनेल यूनिवर्सिटी में मरी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप पे काम कर रहा हूँ, और आज के हमारे लेक्चर की जो ब्रीफ ओवरव्यू है वो ये है कि हम डिस्कस करेंगे कि मरी क्यूरी फेलोशिप्स एक्चुअली हैं क्या, और इन्हें कौन फंड कर रहा है, क्यों फंड कर रहा है, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्या चाहते हैं आपसे लोग, और कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, और अगर आप ये विन कर लें तो आपको क्या क्या सपोर्ट मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग और कॉस्ट, आप क्या क्या चीजें अवेल कर सकते हैं। फिर हम कुछ बातें करेंगे इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया पे, और उसके बाद फिर थोड़ा सा हम इसके प्रपोजल एसेंशियल्स और जो टेम्पलेट है उसके बारे में भी देखेंगे कि क्या चीजें हैं जो कि एसेंशियल हैं, नॉट द 100% गारंटी टू विन बट शुड बी इंक्लूडेड इन द विनिंग प्रपोजल्स। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनको भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट ये है कि ये आखिर है क्या और कहाँ से इसकी फंडिंग आ रही है। तो बेसिकली यूरोपीय यूनियन का एक प्रोग्राम है हराइजन 2020। ये बिगेस्ट रिसर्च इनोवेशन प्रोग्राम है यूरोपीय यूनियन का, और इसमें 80 बिलियन यूरोस की फंडिंग अवेलेबल है जो कि ओवर 7 ईयर स्पेंड होनी थी। तो इमेजिन कर लें अराउंड 11 टू 12 बिलियन यूरोस पर ईयर अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो इसकी आउटकम आप देख लें। और क्यों ये करना चाह रहे हैं यूरोपीय यूनियन को क्या इससे एडवांटेज है। व्हाट दे वांट टू डू इज ये चाहते थे टू टेक ग्रेट आइडियाज एंड शिफ्ट देम फ्रॉम लैब टू मार्केट एंड बी द फर्स्ट इन इनोवेशन। और मार्केट में अगर ये सबसे पहले चीजें लेके आएंगे तो उसका फाइनेंशियल बेनिफिट ये उठाएंगे। तो ये 80 बिलियन कौन दे रहा था? ओवरऑल यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो पे कर रहे थे। हर कंट्री अपने हिसाब से और अपनी कैलकुलेशन, नंबर ऑफ पीपल, इन्वॉल्वमेंट इन ट्रेड और इन इन चीजों के मुताबिक कंट्रीब्यूट करता है। और जो इनकी आउटकम्स होती हैं वो 100% इस पे डिपेंड नहीं करती कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया था, तो किस कंट्री को कितने पैसे मिलेंगे। इट्स नॉट नेसेसरी। ओवरऑल यूके जब यूरोपीय यूनियन में था तो इट वाज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर एंड आल्सो द बिगेस्ट रिसीवर। उसके बाद आई गेस जर्मनी है। एनीवेज, सो हराइजन 2020 का ओवरऑल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर फर्दर सब प्रोग्राम्स हैं। तो टॉप टियर टॉप लेवल पे है हराइजन 2020। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सीलेंस साइंस। एक्सीलेंस साइंस के अंदर फर्दर कई प्रोग्राम्स हैं और उसके अंदर जो है मारी क्यूरी एक्शंस आते हैं। मारी क्यूरी एक्शंस जो हैं वो रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए डेवलप किए गए थे, चाहे उसमें डॉक्टोरल कैंडिडेट्स हों या हाईली एक्सपीरियंस रिसर्चर्स हों। क्या करते हैं ये प्रोग्राम्स, ये जो एक्शंस हैं इनका टारगेट है कि एडवांस ट्रेनिंग करवाई जाए रिसर्चर्स की, और इंटरसेक्टोरल या इंटरडिसिप्लिनरी मोबिलिटी जो है उसको एनहांस किया जाए ताकि आपको हाईली स्किल्ड रिसर्च वर्कर्स अवेलेबल हो और ताकि आपकी रिसर्च आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाए। इससे टू वे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो रिसर्चर को बेनिफिट है, दूसरा बेनिफिट है जो यूनिवर्सिटीज या रिसर्च सेंटर्स या कंपनीज जिनमें ये होस्ट हो रहे हैं उनको स्किल जो है उनका भी एडवांस हो जाता है, तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल चीज है। दूसरी चीज है इन चीजों से आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और नेटवर्किंग जब एनहांस होती है तो इट ओपन्स न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क। तो फर्दर जो है MSCA जो मारी क्यूरी एक्शंस हैं उसके अंदर फर्दर
फाइव सब टाइप्स हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा इन्होंने इनकोड करके इसको रखा हुआ है क्योंकि बहुत ही डिफरेंट टाइप्स हैं। तो हम जो मेन आज डिस्कशन करेंगे वो इंडिविजुअल फेलोशिप्स की करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल फेलोशिप, मारी क्यूरी जो है वो रिसर्च नेटवर्क आईटीएन जिसे कहते हैं उसको सपोर्ट करता है, जो कि डॉक्टोरल लेवल कैंडिडेट्स को ज्वाइंट डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम्स करवाते हैं, और उसमें नॉन ईयू भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें ज्यादातर जो है ट्रेनिंग या डॉक्टोरल प्रोग्राम्स को सपोर्ट होती है। उसके बाद इंडिविजुअल फेलोशिप्स आ जाती है जो कि एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर्स के लिए हैं, जो लोग पोस्ट पीएचडी कुछ ना कुछ कर चुके हैं या जस्ट पीएचडी उनकी कंप्लीट हुई है। टारगेट ये है कि आफ्टर पीएचडी जो लोग विद इन 5 ईयर्स की रेंज में हैं उनके लिए ये चीज अच्छी है। जो ज्यादा टाइम गुजर गया है उसके लिए विल डिस्कस कि उसके लिए क्या बेहतर है बिट लेटर। तो मारी क्यू रिएक्शन में से नंबर 1 आईटीएन, नंबर 2 है इंडिविजुअल फेलोशिप, थर्ड पे है राइज, वो है इंटरसेक्टोरल कॉरपोरेशन थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन। वो एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जिसमें आप मोबिलिटी या ट्रेनिंग कर सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। फिर नंबर 4 पे है को फंड प्रोग्राम, तो को फंड में जो है वो ऑलरेडी वर्किंग प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा फंड किया जाता है फर्दर। और उसके बाद है यूरोपियन रिसर्चर नाइट, जिसमें आप डिसेमिनेशन एक्टिविटीज या गैदरिंग्स और डिस्कशंस के लिए इवेंट्स वगैरह करवा सकते हैं। तो आज जो हम मेनली फोकस करेंगे वो इंडिविजुअल फेलोशिप्स पे ही करेंगे, क्योंकि मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस इसी के साथ है, तो मैं ज्यादा इसी पे ही कमेंट कर सकूंगा। तो जी स्टार्ट करते हैं कि इंडिविजुअल फेलोशिप्स, ये इनका पर्पस क्या है। पर्पस प्राइमरीली ये है कि ये क्रिएटिव और इनोवेटिव पोटेंशियल जो है रिसर्चर्स का, ये उसको इनहांस करती हैं चीजें। और हम लोगों के लिए ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें क्यों इंडिविजुअल फेलोशिप्स पे फोकस करना चाहिए, खास तौर पे वो लोग जो पीएचडीज में पीएचडी डिग्री प्रोग्राम्स में एनरोल हैं, या जो मास्टर्स करने के बाद रिसर्च करियर को या एकेडमिक करियर को परसू करना चाहते हैं। तो व्हाई दे शुड लुक इनटू आईएफ प्रोग्राम्स, पहली चीज ये है कि जॉब मार्केट, अगर आप पाकिस्तान में हैं या खास तौर पे जो एशियन मार्केट है या हमारी स्पेशली जो पाकिस्तान की जॉब मार्केट है, यहाँ पे आफ्टर पीएचडी इट्स नॉट गेटिंग इट्स गेटिंग बिट सैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज उस रेट से नहीं इंक्रीज कर रही जिससे हमारे नए पीएचडी वापस आ रहे हैं, और इन चीजों का रिजल्ट आपको एचईसी के प्रोग्राम्स में नजर आ रहा होगा, जो कि पीएचडी करने के बाद जो लोग आ रहे हैं और दे आर स्टिल लुकिंग फॉर जॉब, और उनके लिए वो प्रोग्राम्स जो उन्होंने स्टार्ट किए हुए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में जॉब मार्केट नहीं है, लेकिन ये है कि देर इज अ चांस कि मार्केट जो है सेचुरेशन के प्लेटू के आसपास हो। तो अगर हुकूमत कुछ नहीं करेगी या फ्यूचर में कुछ खास इसमें चेंज नहीं आता, तो वी शुड लुक फॉर पोस्टडॉक अपॉर्चुनिटीज, जिससे एक तो हमारा स्किल लेवल एनहांस होगा, दूसरी चीज ये है यू गेट पेड, यू गेट जॉब। और अगर हम कंपेयर करें कि जी ठीक है पाकिस्तानी जॉब मार्केट एक चीज है, लेकिन अगर पाकिस्तान में जॉब मार्केट नहीं है तो कोई मसला नहीं, हम पीएचडी के बाद या बीइंग रिसर्चर होने के बाद हम डायरेक्टली पोस्ट डॉक कर लेंगे। तो पोस्ट डॉक में एक चीज ये है कि जब आप फॉरेन पोस्ट डॉक अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हमारे लिए आ जाती हैं फॉर पाकिस्तानीज, मेनली वीजा रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। मैं ये कह रहा कि यूरोपीय यूनियन जो है दे आर डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी वो इसलिए नहीं है कि दे ट्राई टू एक्सेप्ट ऑल द एप्लीकेशंस, लेकिन जहां पे रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि आपको जो है रिसर्चर बहुत जल्दी चाहिए था, या जो आपकी पोजीशन है आप वो जल्दी फिल करना चाहते हैं, और आपकी यूनिवर्सिटी के पास रिसर्च स्पॉन्सर कोटा जो है वो फिल अप हो रहा है, तो वो
ऑब्वियसली उनके लिए लोकल प्रेफरेंस जो है, लोकल पर्सन जो है वो पर्सन ऑफ चॉइस हो जाएगा। दूसरी चीज होती है कि जब हम इंटरव्यूज में बैठते हैं तो वी समटाइम्स आर लैकिंग आवर सॉफ्ट स्किल्स। वहां पे लोग सोचते हैं जिसने आपसे काम करवाना है या जो आपके साथ काम करना चाहता है, दे विल थिंक अबाउट कि मैं उस बंदे को क्यों ना हायर करूं जिससे मेरी कम्युनिकेशन इजी हो और जिससे मैं जिसका जिसका पास डिफरेंट स्किल लेवल हो। तीसरी चीज ये है कि हमारे पास जो हम पाकिस्तानी जा रहे होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में फॉर पोस्ट डॉक, हमारे पास सर्टन सर्टिफिकेशंस नहीं होती। फॉर इंस्टेंस ये सर्टिफिकेशंस जॉब में या पोस्ट डॉक के लिए कंपलसरी कभी नहीं होती ये, लेकिन आपको सपोर्ट जरूर करती हैं, जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी की सर्टिफिकेशन ही हो जाए या कोई जिस तरह चार्टर्ड इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेशन हो जाए, ये आपको सपोर्ट जरूर करती हैं। तो अगर आपके साथ कोई कैंडिडेट आएगा जो कि मच मोर स्किल्ड, मच मोर क्वालिफाइड हो या जिसके पास ज्यादा सर्टिफिकेशन हो, तो वो जो है पर्सन ऑफ चॉइस हो जाता है। और अनदर इम्पोर्टेंट बात जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मारी क्यूरी हमें इसलिए अप्लाई करना चाहिए बिकॉज दिस इज हाईएस्ट पेड पोस्ट डॉक अवेलेबल। तो टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई एम वेरी मच श्योर फॉर यूरोपियन यूनियन मारी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप इज द हाईएस्ट पेड वन, बट ग्लोबली आई एम नॉट 100% श्योर, बट इट इज एज्यूम्ड कि ये हाईएस्ट पेड फेलोशिप है। फॉर इंस्टेंस आई कैन गिव यू वेरी रफ नंबर कि इसमें अगर आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 4,880 यूरोज है इंडिविजुअल फेलोशिप की, और इफ यू आर गेटिंग मोबिलिटी और फैमिली अलाउंस विच इज 1,100 यूरोज, तो आपका टोटल कोई 5,980 यूरोज बनता है। अच्छा अप्रोक्सीमेटली 6,000 यूरो क्रॉस आपकी सैलरी है। अच्छा ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे फिक्स रहे। यूं भी होता है कि कुछ कंट्रीज जिस तरह यूके हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, डेनमार्क, या जिनके अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, वहां पे कंट्री करेक्शन फैक्टर यूज होता है टू कैलकुलेट योर सैलरी। तो फॉर इंस्टेंस अगर आपकी ग्रॉस सैलरी जो ओरिजिनल जो बेसिक लिविंग अलाउंस जिसे कहते हैं वो 4,800 था, तो उसको वो 1.3 या 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर यूके और स्विट्जरलैंड, डिपेंडिंग ऑन कंट्री कोएफिशिएंट। मैं अगर आपको सिर्फ ये एग्जांपल देने के लिए है कि जो करंट रेट है यूके में, अगर आप इंडिविजुअल फेलोशिप एक्वायर कर लें तो इट विल पे यू, इट शुड पे यू 7,800 यूरो पर मंथ, तकरीबन 8,000 यूरो पर मंथ, विच इज वेरी हाईली पेड। इतनी सैलरी यूके के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं है। दिस इज द सैलरी ऑफ अर्ली प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर। तो आप एक तो आपको ये इशू नहीं होता कि आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस वो पूरी नहीं होगी। तो ये जो 2 साल पोस्ट डॉक के होते हैं ये आप एटलीस्ट फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, आपको सिर्फ रिसर्च पे फोकस करना है, पैसों पे वो आपको कवर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सैलरी आपको कोई 800 यूरोज पर मंथ दिया जाता है फॉर योर रिसर्च ट्रेनिंग एंड नेटवर्किंग कॉस्ट, जो आप कॉन्फ्रेंसेस में या सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और दिस विल बिकम अ ह्यूज अमाउंट जो कि अक्सर औकात फेलोशिप में अंडर स्पेंड जाती है। अनदर गुड थिंग अबाउट इंडिविजुअल फेलोशिप इज के आप खुद पी आए हैं, आपकी प्रपोजल है, आपका प्रोजेक्ट है, और ये इस तरह से काउंट होगा कि जी आपने ही पूरा मैनेज किया, तो दिस इज कंसिडर्ड योर ग्रांट, नॉट 100% योर लाइन मैनेजर्स ग्रांट, ये कंसिडर नहीं होती, ये आपकी ग्रांट कंसिडर की जाएगी। फिर जी इसमें फैक्टर है प्रेस्टीज का, ये प्रेस्टीजियस है। जब आप इंटरव्यूज में जाके नेक्स्ट टाइम बताएंगे तो दे विल कंसीडर कि इफ यू गॉट अ मारी क्यूरी देन यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, क्योंकि ये एक्वायर करना भी एक इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स ट्रिकी।
और इसके लिए आपको मेहनत और परसिवियरेंस की जरूरत है। अगली बात है जी ट्रेनिंग, क्योंकि ये आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवा सकती है, तो आपका स्किल सेट जो है वो काफी इंप्रूव हो जाता है। इंप्रूव्ड स्किल सेट्स और ट्रेनिंग से आपकी जो फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। इट्स नॉट कि 100% आपको जॉब मिल जाएगी, आपने मारी क्यूरी फेलोशिप कर ली तो इसके बाद आपको परमानेंट एकेडमिक पोजीशन इन इंटरनेशनल मार्केट मिल जाएगी, बट कोई ऐसा बंदा मिला नहीं है जिसे मुश्किल हो गई हो। तो इट्स नॉट ओनली फॉर एकेडेमिया, आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। यू हैव टू प्रेजेंट करियर प्लान इन द प्रपोजल। इस पे हम जरा ठहर के डिस्कस करते हैं जब हम प्रपोजल को डिस्कस करेंगे। और अनदर एडवांटेज ऑफ मारी क्यूरी फेलोशिप इज जो कि लोग बहुत ज्यादा फोकस ही नहीं शुरू में करते ड्यूरिंग देयर पीएचडी, दैट इज नेटवर्किंग। कि आप बहुत बड़े रिसर्चर हो और आपके बहुत सारे पेपर्स हो, लेकिन अगर आपकी नेटवर्किंग कम है, दिस विल इफेक्ट ऑन योर एम्प्लॉयबिलिटी एंड ऑल्सो एट लेटर स्टेज योर एबिलिटी टू एक्वायर मोर ग्रांट्स एंड फंड्स। तो आपका जितना नेटवर्क स्ट्रांग है उतने ही आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस ज्यादा है, और उतने ही आप इजीली चीजों को एक्वायर कर सकते हो। तो ये जी फेलोशिप, वापस आते हैं इसके ऊपर कि इसका इसने करना क्या है। मारी क्यूरी जो आईएफ है, इंडिविजुअल फेलोशिप, इससे होता क्या है, इसका टारगेट क्या है। इसने करना जी ये है कि आपकी एडवांस्ड ट्रेनिंग करनी है, नए स्किल्स आपके पास आने चाहिए, और इंटरसेक्टोरल और इंटरनेशनल मोबिलिटी इसमें होनी चाहिए। अब इंटरसेक्टोरल से क्या मुराद है, या इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज से क्या मुराद है। फॉर इंस्टेंस कि मैं एक इंजीनियर हूँ जो एनर्जी सिस्टम्स पे काम करता हूँ, मेरी बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन मुझे जरूरत है कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को भी जानूँ। तो ये फेलोशिप मुझे ये अलाउ करती है कि आई कैन लर्न थिंग्स अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज वेल। ठीक है जी, तो ये भी इसका एक एस्पेक्ट है। तो अब डिस्कस करते हैं फ्यूचर की, इससे क्या क्या सपोर्ट हो सकता है। मारी क्यूरी से आपकी तो ट्रेनिंग्स जो हैं वो हो सकती हैं, आप सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग करवा लें, कोई लेक्चर लेना चाहें, कुछ भी इस तरह का जो आपको सपोर्ट करे। ये नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट है जो आप और आपका सुपरवाइजर सोचें कि ये यूजफुल होगा, यू कैन गो फॉर दैट सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग। जरूरी नहीं है ऑनलाइन ही हो, आप कहीं जाके भी ट्रेनिंग कर सकते हैं और उसकी कॉस्ट जो है वो रिइम्बर्स होगी। आप सॉफ्टवेयर्स बाय कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करें, लेकिन इसमें डिस्कस करना पड़ेगा आपको अपने प्रोजेक्ट ऑफिसर से कि आप किस टाइप का सॉफ्टवेयर बाय कर सकते हैं, क्योंकि यू कैन नॉट बाय इक्विपमेंट फॉर योर प्रोजेक्ट। आप कोई रिसर्च इक्विपमेंट इसे बाय नहीं कर सकते। हाउएवर आप लैपटॉप्स वगैरह या इस तरह की चीजें आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कमर्शियल सॉफ्टवेयर यूज करना है तो उस पे यू हैव टू डिस्कस। ऑल्सो जो मारी क्यूरी एक्शंस हैं ये प्रमोट करते हैं ओपन साइंस, ओपन डेटा और ओपन सोर्स पब्लिकेशंस को। तो इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल फेलोशिप कि आप जितनी पब्लिकेशन कर रहे हैं वो ओपन सोर्स हो, ताकि जो आपने रिसर्च की है वो लोगों को फ्रीली अवेलेबल हो, बिकॉज यू वर गिवन इनफ फंडिंग ऑन दैट। तो ओपन सोर्स पब्लिकेशन की जो पब्लिकेशन फीस होती है वो आप कवर कर सकते हैं। तो ये चीजें मारी क्यूरी जो है कवर करता है। क्या चीजें कवर नहीं करता, बाय लेजिस्लेशन वीजा और ट्रेवल कॉस्ट जो होती है, जो ज्वाइन करने की होती है, वो कवर नहीं होती थी, लेकिन सम कंट्रीज सम यूनिवर्सिटीज मे अलाउ, इन सम सर्कमस्टांसेस इट मे बी अलाउड। अच्छा जी, ड्यूरेशन जो है मारी क्यूरी का वो 24 मंथ मैक्स है इंडिविजुअल फेलोशिप का, और जो ITN है वो 48 मंथ तक जा सकती है, ग्लोबल फेलोशिप जो है वो 36 मंथ तक जा सकती है।
अच्छा थोड़ी सी और इसकी एक और लेवल है हायरार्की का, जो हमने स्टार्ट किया कि होराइजन है, होराइजन में एक्सीलेंट साइंस है, एक्सीलेंट साइंस के अंदर मारी क्यूरी एक्शंस है, 5 मारी क्यूरी एक्शंस थे। वो 5 क्या थे? आईटीएन था, इंडिविजुअल फेलोशिप था, राइज था, को फंड था, रिसर्चर्स नाइट था। अब हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ अब इंडिविजुअल फेलोशिप को डिस्कस कर रहे हैं। इंडिविजुअल फेलोशिप की भी फर्दर जो है वो सब कैटेगरीज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो जो सब कैटेगरीज हैं हाँ वो हैं तकरीबन 5 सब कैटेगरीज हैं इंडिविजुअल फेलोशिप की। तो उस 5 में नंबर 1 आती है CAR, करियर रीस्टार्ट पैनल, जिसे हम, ये बेसिकली मारी क्यूरी एक्शन में इंडिविजुअल फेलोशिप के 5 पैनल्स हैं, जो डिफरेंट टाइप या डिफरेंट लेवल ऑफ रिसर्चर को डील करते हैं। तो जो नंबर 1 पे आता है CAR, मारी क्यूरी एक्शन इंडिविजुअल फेलोशिप IF, और उसके बाद इसे कहते हैं EF, EF इज फॉर यूरोपियन फेलोशिप। उसके बाद है CAR, CAR जो है वो करियर रीस्टार्ट है, कि अगर कोई रिसर्चर था वो कुछ अर्से के लिए पेरेंटल लीव पे चला गया या कुछ रीजन हुई वो आउट ऑफ करियर गया, रीस्टार्ट करना चाहता है, तो वो उसके लिए ये पैनल है। नंबर 2 पे है जी री इंटीग्रेशन पैनल, कि आप डिफरेंट जगह चले गए, माइग्रेट हो गए और आप दोबारा री इंटीग्रेट होना चाहते हैं, तो उसके लिए एक डिफरेंट पैनल है। उसके बाद आता है ST स्टैंडर्ड, ये वो है जो कि मोस्टली हम लोग अप्लाई करते हैं। इसमें हम जनरली हम इसी को इंडिविजुअल फेलोशिप कह के चूज करते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड होता है, इसमें कोई री इंटीग्रेशन के या रीस्टार्ट के एस्पेक्ट्स नहीं होते, और ये इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए सूटेबल बहुत से आता है। आइए आइए, और इसके बाद स्टैंडर्ड के बाद आता है SE, ये है सोसाइटी मल्टीडिसिप्लिनरी सोसाइटल इम्पैक्ट जो है, इसमें आपकी होस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंपनी हो सकती है या कोई एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकती है। जो लास्ट 1 है वो है MSCA IF GF, GF स्टैंड फॉर ग्लोबल फेलोशिप। ग्लोबल फेलोशिप में आपने क्या करना है कि कुछ टाइम यूरोप में स्पेंड होगा और कुछ टाइम आउट ऑफ यूरोप, जनरली लोग US या ऑस्ट्रेलिया चूज करते हैं, वहां स्पेंड करके फिर वापस आके कुछ टाइम EU में स्पेंड करना होता है। तो जनरली जो आपकी IF है वो 24 मंथ्स की होती है मैक्सिमम, आप थोड़े टाइम की करना चाहें तो दैट्स फाइन, आप कर सकते हैं अपना प्रपोजल 24 मंथ्स पे, लेकिन लोग मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ हाईली पेड। और जो GF है वो 36 मंथ की हो सकती है, क्योंकि उसमें ये चीज जरूरी है कि आप जाएं कुछ सीखें, सीख के वापस आके तो EU को दोबारा आप उसे सिखाएं, तो ये चीजें जो हैं इसके अंदर होती हैं। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम ये मारी क्यूरी को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, मतलब इस फेलोशिप के लिए हमें करना क्या है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको एक होस्ट इंस्टीट्यूट फाइंड करना है। होस्ट इंस्टीट्यूट से मुराद है कि आपको कोई अपने अपनी रिसर्च फैसिलिटीज शेयर करने के लिए आपसे तैयार है, तो बेसिकली आपको कोई यूनिवर्सिटी होस्ट करेगी इंडिविजुअल फेलोशिप्स के लिए। यूनिवर्सिटी के अलावा आप रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह काम कर रहे हो या नॉन कमर्शियल काम कर रहे हो, अब वो भी आपके होस्ट इंस्टीट्यूट हो सकते हैं फॉर ST स्टैंडर्ड, ठीक है। और क्या आपने करना है, इंस्टीट्यूट किस तरह फाइंड करेंगे? बेसिकली आप किसी प्रोफेसर को या किसी रिसर्च ग्रुप को कांटेक्ट करेंगे और आप देखेंगे कि क्या आपकी जो है वो रिसर्च या आपके इंटरेस्ट जो है वो मैच करते हैं कि नहीं करते। इससे पहले थोड़ी सी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कौन एलिजिबल है IF के लिए।
आईएफ की एलिजिबिलिटी में पहली चीज आती है कि जिस कंट्री में आप फेलोशिप अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री में आपने 12 महीने से ज्यादा टाइम ना स्पेंड किया हो पिछले 5 साल में ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन। तो फॉर इंस्टेंस अगर आप नेदरलैंड्स में अप्लाई करना चाहते हैं और आपने वहां पे 2 साल की पीएचडी की हुई है तो आप वहां पे फेलोशिप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको कोई डिफरेंट होस्ट कंट्री जो है वो ढूंढना पड़ेगा। जब आप डिफरेंट ढूंढ लेंगे तो उसमें ये वाले इश्यूज जो है आपके खत्म हो जाते हैं। दूसरी चीज इसमें होती है कि ये रूल्स जो हैं एलिजिबिलिटी के ये हर साल रिवाइज होते हैं। जब हम लोगों ने या मैंने अप्लाई किया था तो उस टाइम आपकी पीएचडी भी विद इन लास्ट 5 ईयर होनी चाहिए थी, अदरवाइज आपकी एलिजिबिलिटी करियर रीस्टार्ट पैनल पे शिफ्ट हो जाती थी, लेकिन ये रूल जो है ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, सबसे पहली चीज ये करें कि आप कोई ऐसा रिसर्च ग्रुप, अव्वल तो आप जानते हो और नॉन लोगों के साथ काम करना आसान होता है। और एलिजिबिलिटी में दूसरी चीज ये भी आ जाती है कि आपके पास पीएचडी की डिग्री हो या पीएचडी की डिग्री आ जाए बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाय लेजिस्लेशन जो मास्टर्स डिग्री होल्डर्स हैं या जो खाली रिसर्च कर रहे हैं आफ्टर बीएस और उनका रिसर्च करियर है दे कैन ऑल्सो अप्लाई, लेकिन मैंने अभी उसका कोई आउटकम नहीं देखा हुआ या आई एम नॉट श्योर कि वो किस तरह से जज होगा। यू हैव टू रियली डेमोन्स्ट्रेट थ्रू पब्लिकेशंस, पेटेंट्स और इस तरह की चीजें जो हमारे बेंच पास होते हैं। इफ यू आर कॉन्फिडेंट तो फिर आप बगैर पीएचडी के भी अप्लाई कर सकते हैं, लीगली यू आर अलाउड टू डू दैट। बट द बेस्ट वे इज कि आफ्टर पीएचडी ये ज्यादा सूटेबल है। तो सबसे पहली चीज तो जब आप ढूंढ रहे हैं एक अपना रिसर्च ग्रुप ढूंढ रहे हैं उसमें अगर आप किसी को नहीं जानते तो आप क्या करें, जाके रिसर्च पेपर्स देखें, कॉन्फ्रेंसेस में देखें कि कौन से लोग उस ग्रुप में काम कर रहे हैं, उस फील्ड में काम कर रहे हैं और फेमस है और वर्क ऑफ एक्सीलेंस कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आप ईमेल से कॉन्टेक्ट करें। आइडियली आपका जो पोटेंशियल सुपरवाइजर है वो अगर इंडिविजुअल फेलोशिप पहले करवा चुका है या होराइजन फ्रेमवर्क को जानता है तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है बिकॉज दे नो व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द प्रपोजल। तो जब आप डिस्कस करना चाह रहे हैं या जब आप उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो ऑलवेज पिच योर आइडिया, अपना जो बेसिक आइडिया है कि जी ये मेरा रिसर्च पॉइंट है, इस पे मैं काम करना चाहता हूँ, वुड यू बी हैप्पी टू हेल्प मी और वुड यू हैव सम टाइम टू हेल्प मी, वुड यू बी इंटरेस्टेड टू हेल्प, अपना आइडिया जरूर प्रेजेंट करें। क्योंकि अगर आप कहें जी किसी को ईमेल करें कि भाई मैं फेलोशिप अप्लाई करना चाहता हूँ और आप मुझे बताएं जी क्या आइडिया हो सकता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट दैट दे विल गिव यू देयर आइडिया क्योंकि इट्स योर फेलोशिप, यू शुड नो। हाउएवर अगर आपका आइडिया कोई बहुत ज्यादा डिवेलप नहीं है तो वो बेसिकली सुपरवाइजर ये करेगा कि आपके आइडिया को या आपकी जो लिमिटेशन है, आपकी जो सोच है उसको एक बाउंड्री में लॉक कर देगा ताकि आप उसकी जो बाउंड्री है उससे बाहर ना चले जाए और आप एक डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दें। तो ये आप जरूर करें कि प्रेजेंट योर बेसिक इंटरेस्ट और आइडिया एटलीस्ट जब आप उनसे बात करें, अदरवाइज चांसेस कम हो जाते हैं रिप्लाई आने के। फिर ये है कि अगर आपकी अपनी नेटवर्किंग स्ट्रांग है तो इट इज अ गुड आइडिया टू स्टार्ट विद योर विद द पीपल जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, और अगर नहीं जानते तो फिर ये पेपर्स वाला तरीका है। जब आप लॉक कर लें कोई सुपरवाइजर और वो एग्री कर जाए तो फिर आप क्या करें कि उस कंट्री का जो होता है एनसीपी नेशनल कांटेक्ट पॉइंट उसको कांटेक्ट करें। नेशनल कांटेक्ट पॉइंट जो है वो यूरोपीय यूनियन के सारे प्रोग्राम्स के साथ लाइजनिंग वगैरह करते हैं और वो प्रपोजल राइटिंग की ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, तो इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। आप लाजमी उनसे अगर कोई चीज नहीं भी आ रही तो आप अपने प्रोफेसर के थ्रू उनसे पूछवा लें या खुद कांटेक्ट करें, बेटर है कि आप एनसीपी को खुद कांटेक्ट करें।
उसके बाद एनसीपी के कांटेक्ट के बाद आप जो यूनिवर्सिटी का रिसर्च ऑफिस है, डिफरेंट नेम होता है इस ऑफिस का, लेकिन जो रिसर्च को डील करता है ऑफिस यूनिवर्सिटी में, आप उसको कांटेक्ट करें वाया प्रोफेसर, और उनको बताएं कि हम इंटरेस्टेड हैं, एनी चांसेस कि हमें कोई पुरानी प्रपोजल मिल जाए टू रिव्यू, या आप हमें कोई प्रपोजल रिव्यू करने का तरीका या कोई सपोर्ट दे दें, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज प्रपोजल्स प्रोफेशनली रिव्यू करवाती हैं और उसके लिए यूनिवर्सिटी खुद पे करती है, तो दैट कुड बी वेरी हेल्पफुल। उसके बाद ये है जी कि आप होराइजन 2020 का जो टेम्पलेट या जो गाइडलाइन है फॉर दैट पर्टिकुलर फेलोशिप, उसको 100% फॉलो करें। अगर आप गाइडलाइन या टेम्पलेट से बाहर गए हैं तो आप अपने चांसेस जो हैं वो कम करते जा रहे हैं फॉर फॉर सिलेक्शन। आपका जो प्रोफेसर है वो होना चाहिए कि वो उसके पास इतना टाइम जरूर हो, या इतनी वो आपको कमिटमेंट दे के वो कुछ प्रपोजल जो है वो रिवाइज भी करवा देगा। ये नहीं होना चाहिए कि वो बस देख लेगा और बस आप सबमिट कर देंगे। बेसिकली ये प्रपोजल कई दफा रिवाइज होगी, 3-4 दफा मिनिमम रिवाइज होनी चाहिए, आपको खुद भी करनी पड़ेगी, और आपको ये पीयर्स जो आपके अहबाब हैं या प्रोफेसर्स के जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं जो कि अदर प्रोफेसर होंगे और उनकी उनके पास फेलोशिप्स होंगी, या कोई और इंडिविजुअल फेलो है या फेलो का सुपरवाइजर है, वो लोग जो हैं इसको रिव्यू कर सकते हैं। तो रिव्यू के बाद बड़े यूजफुल कमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो कमेंट्स जो देंगे वो डिफरेंट ईयर्स की आउटकम्स के आ रहे होंगे, और आपको पता लग जाएगा कि ये जो कमेंट आया है ये बेसिकली रिव्यूअर्स ऑफ प्रपोजल की तरफ से आया, क्योंकि जब आपकी अपनी प्रपोजल रिव्यू होती है तो आपको एक डिटेल्ड रिव्यू एनालिसिस आता है, उसमें फिर आपको वो चीजें याद रहती हैं जो आपने नहीं की होती, तो आप सजेस्ट करते हैं कि अगले लोगों के लिए वो लाजमी होनी चाहिए। तो ये चीज जो है ये की जा सकती है। प्रपोजल का जो टेम्पलेट है वो लास्ट टाइम डॉक्टर इमरान ने दी थी, एक लेक्चर दिया था और उन्होंने शेयर किया हुआ, तो बेसिकली वो सेम है, इनकी होराइजन 20 की वेबसाइट पे भी है, लेकिन अगर किसी को चाहिए हो तो वो मैं भी इसका लिंक जो है वो दे सकता हूँ, लेकिन ये ओरिजिनली वो सेम बिल्कुल सेम चीज है जो डॉक्टर इमरान ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और आइडियली आपको जो प्रपोजल टेम्पलेट है उसकी हर एक पार्ट को टिक करना चाहिए, अगर आपकी कोई चीज भी मिसिंग है तो आप अपने चांसेस कम करते जा रहे हैं। तो आप देख लेते हैं जी कि किस 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 चीजों पे आपकी सिलेक्शन होती है, प्रपोजल को वो जज कैसे करते हैं। तो 3 मेन इसके पैरामीटर्स हैं या मेन पार्ट्स कह लें, उसमें से जो पहला है वो कहलाता है एक्सीलेंस। तो एक्सीलेंस को 50% वेटेज दी जाती है, नंबर 2 पे है इम्पैक्ट और नंबर 3 पे है क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। एक्सीलेंस जो है वो 50% उसकी वैल्यू होगी, और उसके अंदर क्या क्या चीजें चार्ज होती हैं कि दैट इज बेसिकली योर रिसर्च प्रोजेक्ट, कि आप क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसमें इनोवेशन क्या है, नॉवल्टी क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स क्या है, जेंडर एस्पेक्ट्स क्या है, और उसके अंदर 2-वे ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कितना है। आईएफ जो है इंडिविजुअल फेलोशिप, इसकी ये चीज बड़ी यूनिक है कि खाली इसमें रिसर्चर ने ट्रेनिंग नहीं करनी, करेक्ट प्रपोजल और आइडियल प्रपोजल विल प्रेजेंट के 2-वे जो है ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कितना बेहतरीन था, जो जिस रिसर्च ग्रुप में आप जा रहे हैं उनके पास क्या स्किल नहीं थे और जो आपके पास थे और आप उनको प्रेजेंट कर रहे थे। तो एटलीस्ट पुट फ्यू सेंटेंसेस फॉर दीज, अगर आप ये चीज नहीं करेंगे देन यू आर नॉट टिकिंग द राइट चेक बॉक्सेस। फिर एक्सीलेंस में क्वालिटी ऑफ सुपरविजन भी आ जाती है कि जी क्या क्या चीजें, किस तरह से सुपरविजन इसकी हो रही है, और आपकी रिसर्च जो है पोटेंशियल पे भी डिस्कशन हो जाती है कि आप किस तरह से ये काम कर रहे हैं, क्या ये
आपको मेच्योर कर रहा है ये पूरा का पूरा प्रोग्राम, आपकी ट्रेनिंग के बाद आपको कहाँ लेके जा रहा है, ये चीजें आपने लिखनी है, ये आपने एक स्टोरी उनको प्रेजेंट करनी है जिसके साथ हार्ड एविडेंस के मैं ये करूंगा तो ये सीखूंगा तो ये होगा, ये चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं। उसके बाद इम्पैक्ट में डिसेमिनेशन वगैरह आ जाती है कि जी किस तरह से हम रिजल्ट्स को मेंटेन करेंगे और डेटा क्यूरेशन कैसे होगी और मैनेजमेंट कैसे होगी, कम्युनिकेशन कैसे होगी, पब्लिकेशंस कैसे होगी। इट इज़ अ गुड आइडिया टू टेल कि जी मैं ये पेपर लिखूंगा, ये मेरा आइडिया है, इस जर्नल में जाएंगे, यहाँ तक इस लेवल ऑफ डिटेल तक आप जा सकते हैं। और कौन कौन से आप चैनल यूज करेंगे फॉर डिसेमिनेशन, क्या आप फॉर इंस्टेंस इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि आजकल जब भी कोई इंडिविजुअल फेलोशिप का की फेलोशिप होती है तो उसका एक अपना वेब पेज बने, उसका यूट्यूब चैनल बने, उसका फेसबुक फॉलोइंग हो सो दैट यू कैन शेयर न्यूज कि ये हो रहा है, यहाँ तक हम पहुंच गए, और ये चीजें जो हैं ये आपको लिखनी पड़ती हैं। फिर क्वालिटी एफिशिएंसी वगैरह में आ जाता है जो जिसकी वेटेज 20% है कि आपका वर्क पैकेजेस क्या है, डिलीवरेबल्स और इस तरह की चीजें आपने किस तरह से मैनेज की हैं। इसके अंदर आपने रिस्क भी बताना है कि भाई ये रिस्क हो सकते हैं, उनकी मिटिगेशन भी आपने लिखनी है कि ऐसे मिटिगेट करना। कुछ चीजें हैं जो कि अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, वो है ओपन पब्लिकेशन, ओपन सोर्स और ओपन डेटा के बारे में, कि आपको एक डेटा मैनेजमेंट प्लान की फ्यू लाइंस डालने का फायदा होगा जिसमें डेटा फाइंडेबल, एक्सेसिबल, रीयूजेबल हो, फेयर डेटा जिसे कहते हैं, उसको आप किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और आप ओपन सोर्स पब्लिकेशंस जो है कि उसको कहाँ कहाँ पे आप मेंटेन कर रहे हैं। डू नॉट गो इनटू टू मच डिटेल, ये आपने मेंशन जरूर करने हैं लेकिन इनको बहुत ज्यादा डिटेल में इस लेवल पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये 10 पेज प्रपोजल है, उस 10 पेज के अंदर 50% जो आपका एनालिसिस है वो एक्सीलेंस का है, 30% जो आपका है इम्पैक्ट है, और 20 जो है वो क्वालिटी है। तो आइडियली मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर 50-30-20 है और 10 पेजेस हैं तो 5 पेजेस, 3 पेजेस और 2 पेजेस में इसको स्प्लिट कर लें, वेरी इजी। और इसको इस तरह से फिर आपको कई चीजें, ये होता है कि प्रपोजल लिखने के बाद आपको रिमूव करनी पड़ती हैं, तो एक दफा लिख लें उसके बाद जो आपको लगे कि लेसर यूजेबल चीजें हैं वो उसको आप डिलीट कर लें। तो ये जो होती है वेटेज 50%, 30%, 20%, बेसिकली आपको 5 में से स्कोर मिल रहा होता है और ये 1 डेसिमल प्लेस तक मिलता है, वो सारा जो स्कोर है उसको इस वेटेज से मल्टीप्लाई करके एक ओवरऑल आपका स्कोर बनता है, और जितने बाकी लोगों ने अप्लाई किया हुआ होता है उनके साथ आपका परसेंटाइल बनाया जाता है। तो उस परसेंटाइल में विन करने के लिए आपको एटलीस्ट एटलीस्ट 90% क्रॉस करना चाहिए, अगर आप 90% क्रॉस नहीं कर रहे तो इट्स डिफिकल्ट। इस पे भी जो हमारे कोलीग डॉक्टर इमरान ने लास्ट टाइम रिजल्ट शेयर किए हुए थे लास्ट टाइम, तो आप उनके डेटा में देख सकते हैं जो उन्होंने डेटा शेयर किया कि कट ऑफ रेंज 2019 की कहाँ थी, तो उसमें इंजीनियरिंग की जो थी कट ऑफ अराउंड 92% थी, तो अगर आप 92% क्रॉस करेंगे तो आप एलिजिबल फॉर फंडिंग होंगे, अदरवाइज आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। या इसकी जो इवैल्यूएशन है उसका पहला तरीका ये है कि 70% से अगर नीचे आपके परसेंटाइल में मार्क हैं तो दे विल जस्ट नॉट कंसिडर योर एप्लीकेशन फॉर फंडिंग, 70 से बिलो हो जाएगा तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपका स्कोर 85 से प्लस है लेकिन कट ऑफ से नीचे है तो वो क्या होगा कि आपको सील ऑफ एक्सीलेंस दे देंगे। सील ऑफ एक्सीलेंस में ये होता है कि कई कंट्रीज की में डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फंडिंग एजेंसीज होती हैं जो ढूंढ रही होती हैं कि कोई बहुत अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट हो, और अगर आपको फंडिंग इंडिविजुअल फेलोशिप से नहीं मिली तो आपको वो लोग फंड कर देते हैं, कई दफा 100% कर देते हैं, कई दफा 70-80% कर देते हैं।
लेकिन द जनरल ट्रेंड इज कि अगर वो करते हैं तो फुल करते हैं, वरना नहीं करते। कंट्री डिपेंडेंट है। यूके में कोई इस तरह की एजेंसी काम नहीं कर रही थी 2019 में, ना ही नेदरलैंड में। हाउएवर स्वीडन के अंदर, डेनमार्क के अंदर ये है। तो इन चीजों पे आपको ध्यान करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज जो मैं मिस कर गया, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, कि ये जो इंडिविजुअल फेलोशिप है, दिस इज नॉट ओनली फॉर इंजीनियरिंग। ये काफी जो है ब्रॉड किस्म की फेलोशिप होती हैं, और इसके अंदर टोटल 8 फर्दर पैनल्स हैं। उसमें से एक पैनल है केमिस्ट्री, दूसरा इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो ये जो है 8 तकरीबन कैटेगरीज हैं। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे इंजीनियरिंग नहीं है, तो दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। और सिलेक्शन क्राइटेरिया वेरी सिमिलर, प्रपोजल राइटिंग क्राइटेरिया भी वेरी सिमिलर है, कोई खास फर्क नहीं है। ये बेसिकली आपके जो रिव्यू पैनल होता है वो डिफरेंट होता है। और एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आपकी पीएचडी है और वो पीएचडी लेट से केमिस्ट्री में है, लेकिन आप काम बायोकेमिस्ट्री के साथ कर रहे हैं, प्रपोजल जो है वो आपकी इंटरडिसिप्लिनरी बन रही है, एंड यू वांट टू सेंड इट टू लाइफ साइंसेस, तो यू कैन एब्सोल्युटली डू इट। ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपकी पीएचडी किस में थी, उसी सब्जेक्ट या उसी पैनल में आपने भेजना है, ये लाजमी नहीं है। वट एवर सूट्स यू और सूट्स योर प्रपोजल, जहां पे आप ज्यादा फिट आपकी प्रपोजल बैठ रही है, आप वहां पे अपनी प्रपोजल को जो है सेंड कर सकते हैं। तो ये था ज्यादातर आइडिया मारी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप जो है स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा इसके साथ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ग्लोबल फेलोशिप की। ग्लोबल फेलोशिप में ये होता है कि इट इज वेरी सिमिलर और सेम वे जिस तरह से आपकी स्टैंडर्ड फेलोशिप है, लेकिन उसमें एक आउटगोइंग और एक इनकमिंग फेज होता है। आउटगोइंग फेज में आपने क्या करना है कि ट्रैवल करना है, मोबिलिटी होनी चाहिए आपकी आउट ऑफ योर यूनियन। आप चाहे पाकिस्तान के नेशनल हैं, यू गो टू यूरोप, और यू कैन गो डायरेक्टली टू यूएस और ऑस्ट्रेलिया। वहां पे आप एक साल तक काम करें एंड देन यू कम बैक टू यूरोप। ये भी किया जा सकता है। और ये फेलोशिप जो है ये तकरीबन 3 साल मैक्सिमम, 36 मंथ मैक्सिमम इसका टेन्योर है। लेकिन इसमें कितना आउटगोइंग फेज होना चाहिए, कितना इनकमिंग फेज होना चाहिए, कितना टाइम आपने वापस आके स्पेंड करना है, ये थोड़ी सी रेगुलेशंस इसकी जो है वो देखनी पड़ जाती हैं। तो इसके अलावा मैं देख लेता हूँ, क्योंकि ये मेन हमारा जो आज की डिस्कशन का कंटेंट था वो तो मेरा ख्याल है कवर हो ही गया है। इसके अलावा अगर कोई चीज है तो देख लेते हैं, वरना हम फिर क्वेश्चन आंसर सेशंस की क्वेश्चन आंसर की तरफ चले जाएंगे। हाँ जी, तो मेरा ख्याल है कि मैं अपनी जो है टॉक को यहाँ कंक्लूड करता हूँ, और आई थैंक यू ऑल वेरी मच। आई एम अवेलेबल फॉर आंसर्स, तो मैं शायद वीडियो कॉल एंड कर दूंगा, बट आई लुक एट योर क्वेश्चंस, और जो जो रेलिवेंट क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे मैं उनको फिर आंसर कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी को कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए और हेल्प चाहिए, तो दे कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट वाया दिस फॉरम, या डायरेक्ट मैसेज भी देख सकते हैं। तो विल बी आई बी हैप्पी टू हेल्प एनीवन। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज। तो आई बी वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन इफ यू हैव एनी।